स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी मुंबई इंडियंस। आंसर सी सनराइजर्स हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 पर 3 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इससे पहले आरसीबी ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 पर 5 का स्कोर बनाया था। अगला प्रश्न, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? ए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। आंसर डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। ये सड़क अब मनाली लेह और श्रीनगर लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग या जांस्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ए सऊदी अरब, बी बहरीन, सी आर्मेनिया, डी कतर। आंसर ए सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल्ताहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अल्ताहतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। अगला प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, डी बजाज फाइनेंस। आंसर बी भारतीय जीवन बीमा निगम। एक्सप्लेनेशन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC की ब्रांड वैल्यू 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स को 88.3 और संबद्ध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जचेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान ये शिलालेख मिला।